वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं या फिर इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं एसी की। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की अगर मैं आरएमएस वैल्यू निकालूं तो आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है, ये जो है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी में, ये होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर को बोलते हैं रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि किसी भी, कोई भी आपको बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हो तो उन सब वैल्यूज का स्क्वायर निकालें, उन सारे स्क्वायर्स का मीन निकालें। तो सारे स्क्वायर्स का, मान लीजिए 10 वैल्यूज हैं हमारे पास, तो मान लीजिए 10 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वैल्यूज, ठीक। तो हमें हर वैल्यू का स्क्वायर निकालना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, और सबको ऐड कर देना है, सबको ऐड कर देना है, ऐड करके 10 से डिवाइड कर देना है। तो क्या निकल गया, स्क्वायर्स का मीन निकल गया, स्क्वायर्स का मीन निकल गया। अब जब स्क्वायर्स का मीन आ जाता है तब उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, तो इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं या वर्चुअल वैल्यू बोलते हैं या इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं एसी की। तो एसी जो है ना, एसी की इफेक्टिव वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़ती है। क्यों निकालनी पड़ती है, क्योंकि एसी जो है वो बार बार खुद को चेंज कर रहा होता है। तो हमें एक वैल्यू निकालनी होती है एसी की, कि मैं एसी की एक सिंगल वैल्यू क्या ले सकता हूँ। तो उसको हम बोलते हैं कि इफेक्टिवली एसी की इतनी वैल्यू है। जैसे हमने ये कहा कि अगर घर में हम कोई इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं और उसमें जो करंट रेटिंग है उसकी 5 एम्पियर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हर वक्त 5 एम्पियर ही करंट फ्लो करता रहेगा, वो ना वेरी करेगा। वो 5 एम्पियर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम पीक वैल्यू भी बोलते हैं, तो वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन इफेक्टिवली हम ये कहें कि ऑन एन एवरेज वैल्यू कितनी मिलेगी, तो ऑन एन एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़ती है, इसलिए मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो इट इज़ डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच प्रोड्यूस सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रेसिस्टर। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर वो क्या है, कि इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ एसी, दैट वैल्यू ऑफ डीसी, सॉरी, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ अ डीसी विच प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रेसिस्टर एज इज प्रोड्यूस्ड बाई द गिवन ए सी वेन पास्ड फॉर द सेम टाइम, ठीक है। तो ये इफेक्टिव वैल्यू या आर एम एस वैल्यू, ए सी की आर एम एस वैल्यू वो होती है कि अगर डी सी की, अगर डी सी के मतलब मान लीजिए 5 एम्पियर आपको ए सी दे रखा है और 5 एम्पियर आप डी सी ले लें, तो हम ये कहें 5 एम्पियर डी सी जो है, 5 एम्पियर डी सी जितना हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ना, उतना हीटिंग इफेक्ट जो एसी प्रोड्यूस करेगा उसको ये आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कहा जाता है। दोबारा देख लीजिए डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट, दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट इन अ गिवन रेसिस्टर एज इज प्रोड्यूस बाई द गिवन एसी। तो जितना एक डीसी की वैल्यू से हीट प्रोड्यूस हो रही है, उतनी हीट जो एसी प्रोड्यूस करेगा उस एसी की वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें सेम हैं, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आईआरएमएस और आई इफेक्टिव और आई वी, वी इज फॉर वर्चुअल, वर्चुअल वैल्यू। तो इट इज डिनोटेड बाई आईआरएमएस और आई वी और आई इफेक्टिव, रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। तो मुझे क्या देखना है, अब मैं आईआरएमएस एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी को हम बोलते हैं आई नॉट। तो आई आर एम एस और आई नॉट में मैं रिलेशन निकालना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि हमें ये पता चल सके कि कोई भी हाउस होल्ड सर्किट हो जिसमें हमें ये पता है कि करंट इतना जाएगा, तो जब हमें करंट का पता चल जाए तो हम ये बता सकें कि इफेक्टिवली कितना करंट की वैल्यू आ रही है। जैसे 5 एम्पियर मैंने बोला कि अगर किसी भी इक्विपमेंट में 5 एम्पियर उसकी रेटिंग है कि 5 एम्पियर करंट जाएगा, तो इफेक्टिवली कितना जा रहा होगा, 5 एम्पियर है उसकी मैक्सिमम करंट रेटिंग, मैक्सिमम 5 एम्पियर जाएगा, इफेक्टिवली कितना जा रहा होगा वो देखना है। तो उसके लिए एक रिलेशन देखना है हमको। तो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, दैट मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड पीक वैल्यू, आई नॉट, उसको आई नॉट बोलते हैं। तो देखिए, सपोज एन एसी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी बी पास्ड थ्रू अ सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, देन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम डी टी विल बी, अच्छा, हीट भी एक एनर्जी होती है, तो हीट को निकालने का जो तरीका है ना, वो भी एनर्जी निकालने वाले तरीके के ही बराबर होता है। कैसे, जैसे हम ये जानते हैं पावर जो है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क,
रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, तो पावर ये होता है। अब ये जो वर्क है ना, कोई भी मशीन, कोई भी इंसान कितना वर्क कर सकता है, जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी, जितनी उसके अंदर एनर्जी होगी उतना ही वो वर्क कर सकता है। तो पावर को हम एनर्जी अपॉन टाइम भी कह सकते हैं। तो अगर हीट एनर्जी की बात होगी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसलिए पावर इनटू टाइम करा जाता है। तो अगर मैं एच की बात करता हूँ ना, तो वो भी पावर इनटू टाइम करके ही निकाला जाएगा, क्योंकि हीट की भी यूनिट जो है वो जूल में आती है। अच्छा, अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आप ये देखिए, वही लिखा है यहाँ पर, हमने ये कहा देन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम डी टी। तो अगर हमारे पास स्मॉल टाइम, छोटा सा टाइम डी टी है, तो उस छोटे से टाइम डी टी में हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? हम कहेंगे स्मॉल टाइम डी टी है तो स्मॉल हीट प्रोड्यूस होगी। तो स्मॉल हीट को क्या बोल दिया? डी एच। डी एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक, अच्छा जी, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन। अब ये कहेंगे इफ कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड ऑफ एसी, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल विल बी। तो अगर कैपिटल टी एक एसी का टाइम पीरियड है, यानी कि पूरी एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड कैपिटल टी। तो हम ये कहेंगे इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ एसी, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन वन कंप्लीट साइकिल विल बी एच इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इज इक्वल टू, डी एच की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर आई स्क्वायर आर डी टी, और डी के साथ क्या लिखा हुआ है? टी, यानी कि वेरिएबल हमारा टी है, और टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? जीरो से कैपिटल टी। भाई एक साइकिल में टाइम कितना होगा? टाइम पीरियड के बराबर, तो जीरो से कैपिटल टी। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर टू, लेट आई इफेक्टिव विद द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए सी, देन हीट प्रोड्यूस इन टाइम कैपिटल टी मस्ट बी। आई इफेक्टिव विद द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए सी, देन हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी मस्ट बी। तो एच कितना हो जाएगा? आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गई। हम क्या देख रहे हैं कि लेट आई इफेक्टिव बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए सी, देन हीट प्रोड्यूस इन टाइम टी मस्ट बी। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो टाइम है हमारे पास, टाइम कैपिटल टी है, रेसिस्टेंस कैपिटल आर है, और इफेक्टिव वैल्यू करंट की उसको आई इफेक्टिव बोल दिया। तो अगर मेरे पास डी सी होता ना, डायरेक्ट करंट होता, तो डायरेक्ट करंट होता तो मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैं सीधा सीधा आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी कर देता। तो आई इफेक्टिव अगर हमारे पास है, तो ये वो वाला करंट है जो डीसी में सेम हीट प्रोड्यूस करता है। तो डीसी में सेम हीट ये हो गई, अब ये वाली हीट निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। हम ये कहेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, कंपेयरिंग ये वाली हीट कौन सी है जो एसी में प्रोड्यूस हो रही है, ये वाली हीट कौन सी है जो डीसी में, डीसी में ही तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन टू एंड थ्री। तो आई इफेक्टिव, ये भी एच है, तो आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से टी आई स्क्वायर आर और डी टी। ठीक है, अब यहां पर आप आर ले लेंगे कॉमन, क्योंकि आर कॉन्स्टेंट है। R से R कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt हो गया। अब क्या होगा देखिएगा, I को क्यों नहीं लिया कॉमन? I को इस वजह से नहीं लिया क्योंकि I कांस्टेंट नहीं होता, ऑल्टरनेटिंग करंट है, तो I चेंजिंग चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है, तो ये वेरिएबल है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही लिया। R क्या है? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, तो रेसिस्टेंस को बाहर ले लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। R से R कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से हमारे पास I इफेक्टिव का स्क्वायर ये हो जाएगा, इसको T को इधर ले जाएंगे, 1 अपॉन T इंटीग्रेशन
जीरो से टी आई स्क्वायर डी टी एंड वन अपॉन टू इंटीग्रेशन जीरो से टी आई स्क्वायर डी टी इज द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ए सी. तो हमने क्या करा, आई स्क्वायर डी टी. आई स्क्वायर डी टी का मतलब क्या है कि छोटे 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 टाइम पीरियड्स के लिए, छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के लिए करंट का स्क्वायर है और उसको हम एडअप कर रहे हैं. ठीक है, करंट के स्क्वायर को हम एडअप कर रहे हैं, यानी कि स्क्वायर्स को ऐड कर रहे हैं और ऐड करके टोटल टाइम से डिवाइड कर रहे हैं. तो छोटे छोटे टाइम के लिए जो करंट है वो आई स्क्वायर, आई वन स्क्वायर, आई टू स्क्वायर, ऐसे छोटे 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 अलग अलग करंट्स होंगे, उनका स्क्वायर एडअप करा, एडअप करके टोटल टाइम से डिवाइड करा, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर्स का मीन हो गया. स्क्वायर्स का मीन हो गया क्या था, आरएमएस क्या होता है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर. यानी कि पहले स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर का मीन लेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे. अगर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आई इफेक्टिव आ जाएगा, उसी को आई आरएमएस बोलते हैं. वो आगे देखिएगा, देयरफॉर आई इफेक्टिव इज इक्वल टू, आई इफेक्टिव इसी को आई आरएमएस भी बोल देते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट वन अपॉन टी इंटीग्रेशन जीरो से टी आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर डी टी. ये हो गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर फोर. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालने से पहले ये जो इंटीग्रेशन है, जरा मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ. तो इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, दो चार चीज़ें बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए नई होंगी, वो जरा याद कर लेना, अपना बताऊँगा अभी कैसे करना है. तो इंटीग्रेशन जीरो से टी, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, फिर इसको फाइनली इक्वेशन वन में, इक्वेशन फोर में रख देंगे. तो इंटीग्रेशन जीरो से टी आई स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन जीरो से टी आई स्क्वायर डी टी, आई स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से टी. अब आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर और डी टी, इंटीग्रेशन जीरो से टी आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. अब ऐसा होता है कि जैसे साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन जब ये साइन स्क्वायर आता है ना, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है वो हम नहीं निकाल सकते. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है, बताता हूँ. आई नॉट स्क्वायर, अब आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ ए सी, तो पीक वैल्यू ऑफ ए सी चेंज नहीं होने वाली, वो कॉन्स्टेंट है. तो आई नॉट का स्क्वायर मैं इंटीग्रल से बाहर ले लूँगा, तो आई नॉट का स्क्वायर हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया, यहाँ हो गया इंटीग्रेशन जीरो से टी और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी. साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट कर लें साइड में कहीं, वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा. तो मैं साइन स्क्वायर को ना, स्क्वायर हो या पावर थ्री हो या पावर फोर हो, उसका इंटीग्रल नहीं निकाला जाता. साइन का स्क्वायर साइन का क्यूब, कॉस का स्क्वायर कॉस का क्यूब, इनका इंटीग्रल नहीं निकाल पाते, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है ताकि स्क्वायर गायब हो जाए. तो टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको क्या लेंगे, वन माइनस कॉस थीटा की जगह ही तो ओमेगा टी है, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू और डी टी. तो इससे क्या हुआ, साइन स्क्वायर हट गया. तो ये तो फॉर्मूला आपका नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वाला है. अब इसके बाद इंटीग्रेशन वो आप समझ जाएंगे आसानी से. डिनोमिनेटर में टू है, कॉन्स्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल लो. तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू इंटीग्रेशन जीरो से टी वन वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी और डी टी, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी और डी टी. ये हो गया. अब जैसे सिर्फ वन का इंटीग्रल निकालना है तो वो क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है. यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो वो सिंपली टी हो जाएगा.
आई नॉट स्क्वायर बाई टू, तो वन का इंटीग्रल तो हो जाएगा टी स्मॉल टी माइनस ये जो कॉस टू ओमेगा टी है ना, कॉस टू ओमेगा टी, तो कॉस टू ओमेगा टी का कॉस का इंटीग्रल होता है प्लस का साइन, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, तो इसको लिखेंगे साइन टू ओमेगा टी, साइन टू ओमेगा टी, और अपॉन में देखिएगा कि ये जो टू ओमेगा टी है ना, अगर सिर्फ कॉस टी होता तो मैं कर देता उसको साइन टी, क्या दे रखा है कॉस टू ओमेगा टी, तो कॉस का तो हो गया साइन, और फिर टू ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके क्या आएगा टू ओमेगा, ठीक है, तो टू ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, टू ओमेगा को जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये ऐसे हो गया डी बाई डी टी ऑफ टू ओमेगा टी, तो टू ओमेगा तो कांस्टेंट है उसको तो बाहर निकाल लिया, और ये बचा डी बाई डी टी ऑफ टी, टी का डिफरेंशियल टी के ही रिस्पेक्ट में वन होता है तो इसलिए ये टू ओमेगा आ जाएगा, ठीक है, ये टू टी होता तो इसका डिफरेंशियल टू आ जाता, ये सेवन टी होता तो इसका डिफरेंशियल सेवन आ जाता, ये फिफ्टीन टी होता तो इसका डिफरेंशियल फिफ्टीन आ जाता, तो टू ओमेगा टी है ना, तो टी का डिफरेंशियल तो वन है तो केवल टू ओमेगा बचेगा, तो टू ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, तो ये सीधा सीधा आप याद रखिएगा कि जो भी वेरिएबल है अगर सिर्फ वो वेरिएबल लिखा है तो कॉस का तो साइन हो जाता है, लेकिन अगर वेरिएबल के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो वही टर्म डिवाइड में आ जाएगी बस, तो कॉस का तो हो गया साइन, और टी के साथ क्या लिखा हुआ था टू ओमेगा, तो वो डिवाइड में आ गया, बायो वाले बच्चे इतना याद रखें बस, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इंटीग्रेशन में नहीं जाना, ठीक है, अब लोअर लिमिट हो गई जीरो और अपर लिमिट हो गई कैपिटल टी, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ नीचे जो लिखा हुआ है, तो ये है आई नॉट स्क्वायर बाई टू और स्मॉल टी की जगह आप कैपिटल टी डालिए, पहले तो अपर लिमिट डालते हैं, तो टी माइनस साइन टू ओमेगा कैपिटल टी अपॉन टू ओमेगा माइनस, अब डालेंगे लोअर लिमिट तो स्मॉल टी की जगह जीरो डालेंगे, जीरो माइनस साइन टू ओमेगा इंटू जीरो अपॉन टू ओमेगा आई नॉट स्क्वायर बाई टू टी माइनस टू ओमेगा टी। अब ऐसे ही सोचिए, ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती थी, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई टी, ठीक है, तो मुझे चाहिए टू ओमेगा टी, इसको टी को इधर ले आओ, ओमेगा टी इज इक्वल टू टू पाई, ओमेगा टी की जगह टू पाई लिख देंगे, साइन टू तो है ही और ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा टू पाई अपॉन टू ओमेगा, और भाई ये हो गया जीरो माइनस साइन टू ओमेगा इंटू जीरो तो जीरो ही हो जाएगा, तो साइन जीरो इज जीरो, जीरो अपॉन टू ओमेगा इज जीरो, ये तो जीरो हो गया, और ये क्या हो जाएगा साइन फोर पाई, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू और ब्रैकेट में इधर लिखेंगे टी माइनस साइन फोर पाई अपॉन टू ओमेगा। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि साइन पाई, वन पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, साइन पाई के जितने भी इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, इंटीजर वाले मल्टीपल्स, वन पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, वो सारे के सारे जीरो होते हैं, तो ये जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो, तो इधर ये तो जीरो हो गया, ये केवल टी बचा, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन जीरो से टी आई स्क्वायर डी टी, यहाँ पर ये पूरा जीरो हो गया, ये बचा आई नॉट स्क्वायर बाई टू और ब्रैकेट में टी माइनस जीरो, यानी कि ये आया है आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन टू, आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन टू, यहाँ तक क्लियर, ठीक है, ठीक है जी, अब इसके बाद आगे देखते हैं, आई नॉट स्क्वायर टी अपॉन टू, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर फाइव, अब ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन जीरो से टी आई स्क्वायर डी टी, इसको यहाँ इक्वेशन नंबर फोर में डालेंगे, ठीक है, तो देयर फोर आई इफेक्टिव और आई आर एम एस, पेज नंबर एट पर हूँ अभी मैं,
देयरफॉर आई इफेक्टिव और आई आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर डी टी। तो ये हो गया अंडर रूट 1 अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन 0 से टी आई स्क्वायर डी टी, ये आई नॉट स्क्वायर टी बाई 2 ये हम निकाल ही चुके हैं, आई नॉट स्क्वायर टी बाई 2। तो देखिए टी से टी कैंसिल आउट हो गया, अब आई नॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर आ जाएगा आई नॉट, और रूट 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करें, रूट 2 नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आई नॉट अपॉन 2 और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0.707। तो आई आर एम एस की वैल्यू हो गई 0.707 आई नॉट, या आई नॉट अपॉन रूट 2 बोल दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आई आर एम एस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 आई नॉट। इसी तरह से अगला देखें, रूट मीन स्क्वायर, बताइए जी यहां तक क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल यही प्रोसीजर फॉलो करके आगे चलेंगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो ये जैसे हमने ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए निकाली आरएमएस वैल्यू। ऑनलाइन वाले बताएं, सिमर, अवनी, शानवी, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ अ स्टेडी वोल्टेज, स्टेडी वोल्टेज का मतलब है डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज को स्टेडी वोल्टेज बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ अ स्टेडी वोल्टेज दैट प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट इन अ गिवन रेसिस्टेंस एज इज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ व्हेन अप्लाइड टू द सेम रेसिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। ठीक है, बिल्कुल वही तो डेफिनेशन है कि भाई जो डायरेक्ट करंट हीट प्रोड्यूस कर रहा था वो वाली हीट, अगर हम बोलें कि एसी, एसी की कौन सी वैल्यू वो वाली हीट प्रोड्यूस कर रही है सेम अमाउंट ऑफ हीट, तो उसको आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कहा जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर है कि वो वाली वोल्टेज, वो वाली डीसी वोल्टेज जो वही हीट प्रोड्यूस करे जो एक एसी प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो जैसे यहाँ पर आईआरएमएस निकाला है, अब मैं ईआरएमएस निकालूंगा। देखिएगा इसमें मामूली सा चेंज है, कैसे करेंगे, रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड द पीक वैल्यू ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कैसे लिया जाता है, रिलेशन बिटवीन आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, एंड पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। सपोज एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ई अप्लाइड टू अ रेसिस्टेंस आर इज गिवन बाय, तो जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ना वो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, इसी तरह से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ स्मॉल टाइम डी टी विल बी, तो हीट प्रोड्यूस्ड कैसे निकलेगा, जैसे हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर टी ये था, तो जब यहां पर हीट प्रोड्यूस्ड निकालेंगे तो डी एच इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी। ये आपको पता ही होगा कि जब हम ये एक्चुअली पावर इंटू टाइम है, जब हीट निकाल रहे हैं पावर इंटू टाइम, तो पावर के 3-4 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है वी आई, एक होता है आई स्क्वायर आर। तो जब मैं करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल रहा था तो मैंने आई स्क्वायर आर यूज़ करा, एक फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अभी मैं वी स्क्वायर अपॉन आर वाला फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ पावर का। तो वी यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज यानी कि ईएमएफ। मैंने आपको बताया भी था कि हम एसी में जब भी हम एसी की बात करते हैं तो एसी में हम वोल्टेज को ही ईएमएफ, ईएमएफ को ही वोल्टेज, दोनों को सेम ही लेते हैं। ठीक है,
तो अब जरा देखेंगे यहाँ पर क्या है, हीट प्रोड्यूस इन अ स्मॉल टाइम डी टी विल बी डी एच इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर, ई स्क्वायर अपॉन आर इन टू डी टी, ये है। अब ई की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो डी एच इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर अपॉन आर इन टू डी टी, तो डी एच इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, और अपॉन आर, आर को इधर ही लिख दीजिए आर, और डी टी, इक्वेशन वन को यूज करके ये आया। पेज नंबर 9 पर आ जाइए, लेट कैपिटल टी बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम कैपिटल टी विल बी, तो हीट प्रोड्यूस्ड किस तरह से निकालेंगे, एच इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एच, इंटीग्रेशन ऑफ डी एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी। अब डी एच की वैल्यू यहां से निकाल चुके हैं, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब मुझे मालूम है कि यहां पर हमारा ये ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, तो एच इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। अब जरा चेक करिएगा, ये जो इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये तो सेम है, ठीक है, तो ये वाला स्टेप मतलब अंतर क्या है, बस बाहर ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर आ रहा है, ठीक है, यहाँ बाहर आई नॉट स्क्वायर आ रहा था, यहाँ पर ई नॉट स्क्वायर अपॉन आर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये जो है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे स्टेप्स मैं छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो ये इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है, इंटीग्रेशन वाला पोर्शन का फाइनल रिजल्ट कैपिटल टी आ रहा था, ठीक है, जो हमने इंटीग्रेशन 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी जो ये करा था, इसका फाइनल रिजल्ट देखिए, आई नॉट स्क्वायर तो अपनी जगह है ही, ठीक है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो एक्चुअली टी आ रहा था, 2 में बाहर ले ही चुका था, तो 2 एक तो बाहर निकाल लेंगे, मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा हूँ, ये सेम है, ये सेम प्रोसीजर है, और आप इसमें देखेंगे तो वो सेम ही चीज़ चल रही है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, ये हो गया ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2R, भाई 2 आया था यहाँ, बाहर आ गया था 2, और जब इसको इंटीग्रेट करा था तो रिजल्ट टी आ गया था, तो मैंने ऐसे ही कर दिया जैसे हमने पिछली बार करा था, दोबारा ना कराते हुए मैंने सीधा इसकी वैल्यू टी लिख दी इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एच इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2R, तो एच इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर टी अपॉन 2R। अब ये नीचे वाला सारा मैं मिटा रहा हूं, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, एच की जो ये वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 2, अभी तो हीट प्रोड्यूस निकाला। अब हम ये कहेंगे इफ ई आर एम एस इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग ई एम एफ, देन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय इट इन द सेम रेसिस्टेंस आर इन टाइम टी विल बी, यानी कि अगर हीट प्रोड्यूस्ड हम, अगर हम ई इफेक्टिव उसकी ऑल्टरनेटिंग वैल्यू ना लेकर उसकी एक इफेक्टिव वैल्यू, सिंगल वैल्यू लेकर चल रहे हैं, तो फिर जैसा हम हीट निकालते हैं डीसी के केस में, वैसी हीट डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे,
एच इज इक्वल टू ई इफेक्टिव या ई आर एम एस का स्क्वायर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस जो हमने निकाला था ई स्क्वायर आर पावर, ये पावर हो गया पावर इनटू टाइम, ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन टू और थ्री को कंपेयर कर दिया, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री, तो टू और थ्री को जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई आर एम एस का स्क्वायर, ई इफेक्टिव बोलो या ई आर एम एस बोलो एक ही बात है, ई आर एम एस का स्क्वायर इंटू टी अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू ई नॉट स्क्वायर टी, ई नॉट स्क्वायर टी अपॉन टू आर। अब क्या करिए, कैपिटल टी से कैपिटल टी काट दो, कैपिटल आर से कैपिटल आर काट दो, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन रूट टू, ये वही तो चीज हो गई जैसे हमारा आई निकला था, आई आर एम एस भी तो आई नॉट अपॉन रूट टू निकला था, तो ई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 ई नॉट। ठीक है, चलिए जी आगे दो न्यूमेरिकल्स हैं करवाता हूँ, बस एक मिनट वेट करिएगा, अभी आया ना। देखना बॉटल रखी है क्या इधर, इधर बॉटल रखी है क्या, नहीं है, लाता हूँ। अब देखिएगा पेज नंबर 10 पर हैं अब हम, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़,
राइट डाउन द इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज. तो मुझे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखनी है. तो क्वेश्चन नंबर वन में देखें, द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस आर मार्क्ड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज. तो हम ये जानते हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. E नॉट साइन ओमेगा टी, तो हमको जो भी ये वोल्टेज दे रखी होती है ना, जैसे ये दे रखा है 220 वोल्ट, तो ये 220 वोल्ट हमको दे रखा है इसका आरएमएस वोल्टेज. अच्छा, और 50 हर्ट्ज दे रखा है, तो ई आरएमएस इज इक्वल टू 220 वोल्ट. मुझे ई नॉट निकालना है, तो ई आरएमएस क्या होता है, ई नॉट अपॉन अंडर रूट टू इंटू 220 इज इक्वल टू 220. इसको इधर ले जाओ, तो 1.414 इंटू 220 ये हो गया. और वन पॉइंट फोर ही गया, तो बस पॉइंट गया नीचे, 10 आया, जीरो से जीरो कट गया, तो ये हो गया 14 2 28, 14 2 28 और 2 308 इतना आया. लेकिन हमने ऐसे देखा था कि जब हम निकालते हैं ना ई आर एम एस, तो ई आर एम एस की वैल्यू ऐसे ले लेते हैं 0.707 ई नॉट, ये ले लेते हैं. ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस 0.707, तो ये हमारे पास ई नॉट यहाँ से कितना आ जाएगा, ई आर एम एस वैल्यू तो सेम ही आ रही है ना, 311 कैसे आ रही है, 220 वोल्ट हमको इन्होंने ये 311 कहाँ से आ गया है, वन पॉइंट फोर वन फोर इससे करके देखो जरा, ये इसी का फर्क है शायद, 1.414 इंटू 220. ठीक है, तो 220 को मैं लिख दूंगा 11 into 20, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 1000, 10 से 10 कट गया. ठीक है, तो 11 4 11 4 44, 4 कैरी 11 1 11 और 4 15, 1 कैरी 11 4 44 और 1 45, फिर से 4 कैरी 11 1 11 11 और 4 11 और 4 15, इतना हो गया अपॉन 100 इंटू 2, तो 2 4 8 2 4 8, 2 5 10, 2 5 10 और 1 11, और फिर 1 कैरी 2 5 10 और 1 11, 1 कैरी 2 1 2 और 1, हाँ जी, तो 20 ये कट गया, 311.08, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 311 बोल दिया, 1.414 लिया, तो ये ई नॉट की वैल्यू 311 आ गई. एक तो ये वैल्यू यहाँ पर रखनी होगी, दूसरा ओमेगा टी ये करना होगा. तो ओमेगा टी अब इन्होंने दे रखा है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है. ठीक है, तो हम ये कहेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ. ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखी है हर्ट्स में, तो मैं ओमेगा को 2 पाई एफ लूंगा इंटू स्मॉल टी. अब ये हो गया 2 इंटू पाई को लिखेंगे 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 50. ठीक है,
तो और इंटू टी, अब 50 इंटू टू कितना हो गया, 100, 100 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू टी, तो ये 100 से 100 कट गया, तो ओमेगा टी की वैल्यू आ गई 314 टी। ठीक है, देयर फोर इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू ई नॉट की जगह 311 और साइन ओमेगा टी की जगह 314 टी वोल्ट्स। ठीक है जी, ये आ गया, समझ गए। उसके बाद ये बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू में है, ये कह रहे हैं कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर आर एम एस वैल्यू ऑफ द ए सी शोन इन फिगर, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो निकालेंगे। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो देखते हैं जरा, रूट मीन स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर टू, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी शोन इन फिगर, तो इसकी आरएमएस वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। जब आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो आप ये देखिएगा कि एकदम से मन में ये आता है कि अरे पीक वैल्यू तो 2 एम्पियर दे रखी है, ऊपर भी 2 है नीचे भी -2 है, -2 मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में है। लेकिन क्या है कि अगर ये साइनोसॉइडल दे रखा होता ना वेव फॉर्म, साइनोसॉइडल जैसे आज एसी का होता है, तब तो मैं सीधा सीधा कह देता पीक वैल्यू कितनी दे रखी है 2 एम्पियर है ना, और डिवाइडेड बाई रूट टू, तो 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 मैं कह देता, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट जो है वो √2 एम्पियर आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म दे रखी है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए जो करंट है ना वो डायरेक्ट करंट के जैसा है। ये दोनों ही पेपर में आ चुके हैं क्वेश्चन, ये स्मॉल टी इधर 2 एम्पियर इधर -2 एम्पियर, तो आप ये मान लीजिए जैसे ये हो गया, ये हमारे पास हो गया 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ठीक है, 1 2 3 3 सेकेंड्स आप मान लीजिए, या आप कहें कि नहीं मेरे को नहीं पता ये 3 ही सेकेंड है, ये हो सकता है 6 सेकेंड्स हो, लेकिन ये इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं, ये इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं। तो हमें क्या करना है, हमें करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकलेगी वो देख लीजिए, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर, तो रूट आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट निकालेंगे किसका, मीन का, मीन किसका स्क्वायर्स का, तो स्क्वायर क्या है 2 का स्क्वायर प्लस इस टाइम ड्यूरेशन में, अगली टाइम ड्यूरेशन में कितना है -2 का स्क्वायर, फिर अगली टाइम ड्यूरेशन में फिर से 2 एम्पियर हो गया, तो 2 का स्क्वायर फिक्स है ना कि 1 सेकंड तक करंट 2 एम्पियर है, अगले 1 सेकंड में करंट -2 एम्पियर है, अगले 1 सेकंड में करंट जो है वो फिर से +2 एम्पियर है। तो मीन इनका तीनों का कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 3 ये कर दिया, तो 2 का स्क्वायर इज 4 -2 का स्क्वायर इज 4 +2 का स्क्वायर इज 4 डिवाइडेड बाई 3, तो 12/3, 3 4s are 12 और 4 का स्क्वायर रूट लिया तो 2 एम्पियर, तो जो इफेक्टिव वैल्यू है वो 2 एम्पियर है, इसकी आर एम एस वैल्यू 2 एम्पियर। ठीक है जी, बस आज इतना ही करिए, फिर ये जो फेजर डायग्राम वाला पोर्शन है ना ये जरा ये कल ही करवाएंगे, कल जब सारे बच्चे आ जाएंगे, ठीक है ना, आज इतना ही कर लीजिए। फेजर डायग्राम बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे नहीं हमें, क्योंकि दे नहीं रखा सिलेबस में, कटवा दिया है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनते हैं।